लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 को सकुशल, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में अनेक्सी भवन के सभागार में ईवीएम एवं वीवीपैट के संचालन एवं मतदान प्रक्रिया से संबंधित समग्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संसदीय क्षेत्र गोरखपुर एवं बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के सभी मास्टर ट्रेनर एवं जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मास्टर ट्रेनर मौजूद रहे। इस मौके पर सीडीओ अनु सिंह ने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 को सकुशल, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारी पूरी निष्ठा, लगन, ईमानदारी एवं निष्पक्षता के साथ अपने दायित्वों का प्रत्येक स्तर पर निर्वहन करें। इस दौरान सभी को ईवीएम व वीवीपैट की प्रस्तुतिकरण कर रेंडमाइजेशन से लेकर पोलिंग स्टेशन की कार्रवाइयों की विधिवत जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त ईवीएम संचालन के संबंध में प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया गया। येलो बैठा रहता है, उसके पास एक अल्फाबेटिकल लिस्ट रहती है जिसमें अल्फाबेटिकल क्रम में नाम रहता है, तो उसमें नाम बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो यूजुअली लोग क्या होते हैं कि वहाँ पे खोज लेते हैं। कई बार वहाँ पे खोजने के पहले जो पार्टियों के जो बूथ बने रहते हैं, जो 200 मीटर के बाहर जो बनाने का है, बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके पता कर लेते हैं कि साहब मेरा नाम किस क्रमांक पर है। तो अक्सर लोग अपनी पूरी सूचना लेके ही आते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग येलो पर्ची पर ही निर्भर नहीं होते हैं, अधिकांश लोग अपना नाम खोज के ही लाते हैं, ठीक है। जो येलो बैठा रहता है उसके पास एक अल्फाबेटिकल शॉर्ट एक रहता है पूरी लिस्ट का, तो उसमें से भी आराम से मिल जाता है। चाहे वो येलो द्वारा दिया गया वोटर स्लिप ही क्यों ना हो, मतदान प्रक्रिया में कोई आशा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, न उससे आइडेंटिफिकेशन स्थापित होना है, न कुछ स्थापित होना है। क्रमांक को बोल के भी बता सकता है कि इस क्रमांक पे मेरा नाम है, पर्ची लाने की उसे जरूरत नहीं है। उसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है कि वो सही है कि गलत है। देखिए उस स्थिति में अगर उसका नाम पड़ा है, ठीक है, कि उसका वो दारू बनाने के बाद फिर उसको लेके मत डालेगा और उसको मत डालने से नहीं होगी। उसका नाम जो भी नाम है सबसे मशीन की से मार्क पोलिंग कराने से पहले मशीन को आपस में कैसे प्रॉपर वे में जोड़ा जाता है, बताएंगे मार्क पोलिंग का औचित्य क्या है और मार्क पोलिंग के उपरांत इन मशीनों की सीलिंग बताई जाएगी और सीलिंग कराने के उपरांत आप एक्चुअल पोलिंग दिन भर कैसे कराते हैं, फिर शाम को निर्धारित समय के बाद आप मशीन को कैसे बंद करते हैं और उस मतदान उस बूथ के लिए निर्धारित बैलेट यूनिट एक होती है। बैलेट यूनिट की संख्या इस बात पर डिपेंड करती है कि लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या क्या है। एक बैलेट यूनिट चलता है और 32 से भी ज्यादा है तो ज्यादा तीन की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार हर में 16 बटन होते हैं, उसके अनुसार कितने बीयू लगने हैं ये इसका निर्धारण हो जाता है। ये काला नाम है, अब हमने इसको पहले कैसे निकाला ये आर्गुमेंट बना लो। बीच वाले लैच से ऊपर वाला ढक्कन खुलता है और साइड में जो नीचे लैच बने हैं उससे नीचे वाला खुलता है। ये ऐसे खोलेंगे इसके अंदर कंपार्टमेंट करें कि कंपार्टमेंट इसी के अंदर ये बैलर ट्यूबिंग वाले जो केबल का जो फ्री एंड है जिसपे लाल और काला लगा है इसको इसके अंदर ले जाइए और लाल को लाल की तरफ साकेट में अंदर इसमें लाल को लाल की तरफ और काले को काले की तरफ करते हुए इसको पहले अलाइन कर लें, लगे कि हाँ ये पोर्ट में सही से बैठ रहा है। तो अब सीधे से अंदर की ओर केबल को ही लगाइए, देखिए आवाज किया ये लग गया है, अब ये इसको खींचेगा नहीं निकलेगा। साइड वाले जो लैच है जिसके अंदर होता है प्लग में वो केवल निकालते समय इस्तेमाल होने हैं, अंदर की ओर इसको दबाइएगा और ऐसे खींचिएगा निकलेगा। ये लैच जो है साइड में